सालाना बात की जाए वो है 45,684 यूरो। आप एक साल के अंदर इतने पैसे मिनिमम वहाँ पर कमा सकते हैं। और एक साल का वर्क वीज़ा आपको फिनलैंड का दिया जाता है। इसके बाद फिनलैंड अपना एंटरप्रेन्योर वीज़ा देता है, जिसे कहते हैं बिजनेस डिलीवरी की जॉब। अगर आप डिलीवरी की जॉब करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स भी वहाँ पर जाते हैं वो वहाँ पर डिलीवरी का काम भी कर, हाउसकीपिंग का जो काम है वो बहुत ज़्यादा, होटल लाइन काफ़ी ज़्यादा है, टूर्स बहुत ज़्यादा। फिनलैंड की वीज़ा फ़ीस कितनी है बहुत से लोग ये पूछते हैं। ओनली 60 यूरो फिनलैंड की वीज़ा फ़ीस है जो आपने पे करनी है, इसके अलावा कुछ भी आपने पे नहीं करना होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनलैंड के ऊपर कि फिनलैंड के अंदर कोई बंदा आना चाहता है तो फिनलैंड के अंदर आप कैसे वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, और फिनलैंड एक कैसा कंट्री है उसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। और बहुत से लोग हैं कि जो फिनलैंड के अंदर जाना चाह रहे हैं, फिनलैंड के अंदर जॉब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, और इस वक्त फिनलैंड इतने ज़्यादा वीज़ा इशू कर रहा है कि दुनिया भर से, खासतौर पर एशिया के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान से बहुत से हमारे लोग हैं जो फिनलैंड के अंदर जा रहे हैं, और हमारे स्पेशली पाकिस्तानी भी फिनलैंड के अंदर अपने पांव जमा रहे हैं, वहाँ पर सेटल हो रहे हैं। फिनलैंड के बारे में जानना चाहेंगे, सबसे पहले देखें फिनलैंड की पॉपुलेशन की बात करते हैं। फिनलैंड की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 56 लाख है, यानी कि 5.5 मिलियन फिनलैंड की पॉपुलेशन है। इसके बाद बात करते हैं फिनलैंड का कैपिटल कौन सा है। फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, ठीक है। ये जो कैपिटल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा हमारे अपने लोग यहाँ पर ही आपको मिलेंगे जो वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर जाके बहुत कुछ कर रहे हैं। इसके बाद जो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं वो है पेट्री ओर्पो, ये फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर बात की जाए फिनलैंड के बॉर्डर्स की कि फिनलैंड अपने बॉर्डर्स किन किन मुल्कों के साथ टच करता है, जिसमें स्वीडन है, जिसमें नॉर्वे है और जिसमें रशिया है, यानी कि अगर आप रशिया में भी आ जाते हैं तो समझिए आप स्वीडन में आ चुके हैं। तो ये सीन है भाई, ये बॉर्डर इन अपने साथ टच करता है फिनलैंड। अब इसके बाद बात की जाए कि फिनलैंड की लैंग्वेज कौन सी है। मोस्टली फिनलैंड के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है फिनिश, लेकिन ऑल ओवर जो देखा जाता है कि वहाँ पर आप इंग्लिश बेस के ऊपर भी वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत से जो हाई प्रोफेशनल रैंक के ऊपर जो जॉब्स करने के लिए लोग जाते हैं हमारे, वहाँ पर इंग्लिश लेवल के ऊपर भी जॉब्स काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे वहाँ पर करते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, परमानेंट वहाँ पर रेजिडेंसी हासिल करना चाह रहे हैं, वहाँ पर ही रहना चाह रहे हैं, तो आपको इन फ्यूचर वहाँ पर रहते हुए 2-3 सालों के अंदर फिनिश लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जो कि वहाँ पर आपको स्कूल भी दिया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि फिनलैंड के अंदर इंडिपेंडेंसी कब आई थी। फिनलैंड जो आज़ाद हुआ था वो फिनलैंड 29 मार्च 1809 को फिनलैंड ने आज़ादी हासिल की थी मुल्कों से, और फिनलैंड तब से आज़ाद है और इस वक्त एक बहुत ही तरक्की पज़ीर मुल्क है फिनलैंड, जो हर एक की नज़र के अंदर है कि हर कोई जाना चाह रहा है कि भाई हम फिनलैंड के अंदर जाकर वहाँ पर काम करें, वहाँ पर सेटल हो जाएँ। इसके बाद बात कर लेते हैं वीज़ा टाइप की कि फिनलैंड कौन कौन से वीज़े आपको इशू करता है। लेकिन नंबर वन के ऊपर हर कोई ये चीज़ जानना चाहता है कि फिनलैंड आपको स्टडी वीज़ा सबसे पहले इशू करता है, कि स्टडी वीज़े के ऊपर आप फिनलैंड के अंदर इजीली जा सकते हैं, और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा फिनलैंड के अंदर स्टडी वीज़े के ऊपर जाती है। सेकेंड चीज़ है फिनलैंड का वर्क वीज़ा, जो कि आपको दिया जाता है 1 साल का 9 महीने का, और 1 साल का वर्क वीज़ा आपको फिनलैंड का दिया जाता है। इसके बाद फिनलैंड अपना एंटरप्रेन्योर वीज़ा देता है, जिसे कहते हैं बिज़नेस वीज़ा, और ये वीज़ा अगर आप हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये वीज़ा आपको 5 साल का इशू किया जाता है, यानी कि 5 ईयर आप बिज़नेस वीज़ा के ऊपर फिनलैंड के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं और वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं, अपनी फैमिली को भी मूव कर सकते हैं। एक और बात आपको बताते जाएंगे, फिनलैंड अपना कंपनी वर्क वीज़ा भी इशू करता है, यानी कि अगर आप पहले से ही आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर है और वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, और अगर आपको वो कंपनी के अंदर वीज़ा दिलवाता है, अगर फिनलैंड की कंपनी का वीज़ा आपको दिया जाए तो वो आपको 3 साल का वर्क वीज़ा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है ना इकदाम है, और अगर आप फिनलैंड के अंदर जा सकते हैं किसी भी तरीके से, अगर आपका कोई ना कोई वहाँ पर अपना है या अगर आप वहाँ पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आगे चल के हम आपको बताते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं जॉब्स के ऊपर कि फिनलैंड के अंदर कौन कौन सी जॉब हैं और आप कौन कौन सी जॉब वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। नंबर वन है टीचिंग, कि आप टीचिंग की जॉब वहाँ करके काफ़ी अच्छी अमाउंट गेन कर सकते हैं और वहाँ पर लिविंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है नर्सिंग, याद रखिएगा कि नर्सिंग एक ऐसा शोभा है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और सबसे अच्छी सैलरी नर्सिंग के अंदर काउंट की जाती है। थर्ड है आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप डेंटल की जॉब कर सकते हैं, डेंटिस्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, बहुत से लोग हैं जो डेंटिस्ट भी हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और दूसरे कंट्री के अंदर, अगर आप डेंटिस्ट एज अ वहाँ पर जाते हैं तो फिर तो क्या ही बात है भाई, ज़बरदस्त है। फोर्थ नंबर पर है इंजीनियरिंग,
काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम है, इंजीनियरिंग की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिमांड है, और काफ़ी ज़्यादा फिनलैंड जो ग्रो कर रहा है बिल्डिंग्स लाइन को लेके, और इसके अलावा और बहुत सी फील्ड हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की हमेशा से फिनलैंड के अंदर डिमांड है और रहेगी। उसके बाद है अकाउंटेंट। आप जानते हैं कि हर कंपनी को अकाउंटेंट की ज़रूरत है, ज़ाहिर है सैलरीज पे करनी होती हैं वहाँ पर और बहुत से मामले होते हैं, तो अकाउंटेंट की जॉब आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे मिल जाती है, इवन के फिनलैंड के अंदर भी बहुत अच्छी जॉब है अकाउंटेंट की। उसके बाद है डॉक्टर्स। अगर तो आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की तो क्या ही बात है, आप वहाँ पर जाके एज अ डॉक्टरी कर सकते हैं, वहाँ पर आप किसी भी फील्ड के अंदर प्रोफेशनल हैं आप वहाँ पर जाके डॉक्टरी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप डॉक्टरी फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं फिनलैंड के अंदर जाकर, वहाँ पर ही अपनी डॉक्टरी को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको वहाँ पर ही एज अ डॉक्टर हायर किया जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली फिनलैंड के अंदर आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ों से गुजारा जाता है, प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ जिस चीज़ से भी आप रिलेटेड आप डॉक्टरी कर रहे हैं उससे आपको गुजारा जाएगा, देन आप उस फील्ड के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा काम है कि फिनलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड है, आप कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप हर तरह की फील्ड है, लेबर के अंदर भी आप कंस्ट्रक्शन के अंदर जो लेबर है उसके अंदर भी आप काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं और अच्छी अमाउंट वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है जी डिलीवरी की जॉब। अगर आप डिलीवरी की जॉब करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स भी वहाँ पर जाते हैं वो वहाँ पर डिलीवरी का काम भी साथ में करते हैं। तो डिलीवरी का काम ऐसा काम है जो कि हर कोई इंसान, चाहे कोई लड़की है या लड़का है, वो कर सकता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर है कि आप अपनी कंट्री से लाइसेंस ज़रूर करके आएँ, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्योंकि डिलीवरी का काम गाड़ी के ऊपर ईजिली आप कर सकेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत भी पेश नहीं आएगी। उसके बाद है ऑटो मैकेनिक। ऑटो मैकेनिक एक ऐसी जॉब है, एक ऐसा काम है, एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर आप ऑटो मैकेनिक हैं गाड़ियों के तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा कदर है फिनलैंड के अंदर, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड है। उसके बाद है हाउसकीपिंग की जॉब है। हाउसकीपिंग देखें, आप जानते हैं कि फिनलैंड के अंदर हाउसकीपिंग का जो काम है वो बहुत ज़्यादा, होटल लाइन काफ़ी ज़्यादा है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो हाउसकीपिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप दुबई से हैं, सऊदीया से हैं, वहाँ पर आप हाउसकीपिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं फिनलैंड के लिए, हाउसकीपिंग के अंदर आप होटल्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और होप सो मेक श्योर कि आपको वर्क वीज़ा भी इशू हो जाएगा और आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं हाउसकीपिंग के अंदर। उसके बाद है वेटरिंग की जॉब। वेटरिंग की जॉब के अंदर भाई क्या ही बात है, बहुत ज़्यादा लोग वेटरिंग की जॉब करते हैं और बेसिक सैलरी 1500-1600 बेसिक सैलरी लेते हैं वेटरिंग के अंदर, उसके बाद प्लस आपकी टिप्स होती हैं और काफ़ी अच्छी अमाउंट आप वेटरिंग के अंदर भी कमा सकते हैं। उसके बाद है बेबी सीटर जॉब। बेबी सीटर भी एक ऐसी जॉब है कि अगर आप इन कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, दुबई से हैं, अलायंस से हैं, सऊदीया से हैं, मस्कत से हैं, आप यहाँ से भी बेबी सीटर की जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पर लेडीज़ को ये जॉब बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए इस जॉब की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो ये जो थी जॉब्स के, अगर आप फिनलैंड के अंदर जाना चाहते हैं तो हर फील्ड के अंदर आपको ये जॉब्स मिल जाती हैं और आप ये जॉब अप्लाई करके वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। इनकी कौन कौन सी वेबसाइट हैं आपको ये साथ में वेबसाइट भी आ रही हैं, और आप ये वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करके खुद भी अप्लाई करें, कोशिश करें कि अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो अपने किसी अजीज़ दोस्त रिश्तेदार से अप्लाई करवाएं, और वेटिंग करें कि आपको कैसे ही रिस्पांस आता है, आप फिर इन कंपनीज के अंदर जाकर काम कर सकते हैं। कोई भी देखें यूरोप की कंट्री है, ये चीज़ याद रख लें आप कि कोई भी यूरोप की कंट्री है यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वहाँ हमारे एशिया के अंदर कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर ऑनलाइन जॉब वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन आपको फिनलैंड के अंदर ऑनलाइन जॉब अप्लाई करना पड़ती हैं, और भी जो कंट्री हैं उनके अंदर आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करके आप वहाँ पर जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो वो सिर्फ आपकी सोच के अंदर है कि आप ये सोचते हैं कि शायद मैं नहीं जा पाऊँगा, इतना बड़ा कंट्री है, मुझे ये वीज़ा कैसे मिलेगा। अपने ऊपर यकीन रखें, अपनी अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें, और ये याद रखें आप अगर किसी भी काम को करने की थाम लेते हैं तो आप वो काम कर जाते हैं। शर्त यह है कि भाई काम होने से पहले कभी किसी को ना बताएं, जब तक आपका काम ना हो जाए। जब आपका काम हो जाता है उसके बाद फिर आप जब पहुंच जाते हैं फिर पीछे से लोगों को बुलाएं। जैसे कि मैं अगर इटली के अंदर आया हूं, मैं अगर यूरोप के अंदर आया हूं, अब मैं चाहता हूं कि वो लोग जितने भी हमारे मुल्क के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी आम से आम लोग हैं जो नहीं कर पा रहे, वो भी आएँ, वो आके यहाँ पर अच्छा रोज़गार कमाएँ और आगे बढ़ें। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं सैलरी के ऊपर। सबसे मेन क्वेश्चन है कि फिनलैंड के अंदर सैलरीज़ कितनी है। देखें एवरेज सैलरी की मैं बात करूंगा सबसे पहले, कि अगर आप ईयरली बात करते हैं कि सालाना सैलरी 12 महीनों के अंदर एक बंदा वहां पर नॉर्मल से नॉर्मल कितने पैसे फिनलैंड के अंदर कमा सकता है, तो वो जो सालाना बात की जाए वो है 45,684 यूरो।
आप एक साल के अंदर इतने पैसे मिनिमम वहाँ पर कमा सकते हैं। अब इसके बाद एक्सपेंसेस अलग से होते हैं, ठीक है, ये एक्सपेंसेस की बात आगे चल के हम आपके साथ करते हैं। अब बेसिक सैलरी बात कर लेते हैं कि बेसिक सैलरी जो मिनिमम है वो कितनी है और मैक्सिमम कितनी सैलरी है। इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आप बेसिक, मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर कौन कौन से काम और क्या क्या आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम जो सैलरी है वो 3807 रुपये और मैक्सिमम जो है वो 4207 रुपये है। इसके अंदर टैक्स भी है, लेकिन जब आप टैक्स निकालते हैं तो बेसिक आपकी सैलरी मिनिमम जो है वो 2200-2500 सैलरी आपकी मिनिमम निकल आती है। और मैक्सिमम की बात करें, आप 2500 से लेकर 3000 यूरो तक फिनलैंड के अंदर कमा सकते हैं। इतनी सैलरी आप फिनलैंड के अंदर कमा सकते हैं, क्योंकि फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा हाई प्रोफेशनल कंट्री है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा लोग इस कंट्री को पसंद करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी के बाद अगर बात करें तो हाउस रेंट की, कि फिनलैंड के अंदर हाउस रेंट कितना है, फूड एक्सपेंस कितना है और आपका पर्सनल एक्सपेंस कितना हो जाता है। लेकिन अगर आप सिंगल पर्सन एज अ वहाँ पर जाते हैं तो आपका मिनिमम 200 हाउस रेंट होगा बेड स्पेस के ऊपर, ठीक है, जिसके साथ आप शेयरिंग के अंदर रह रहे होंगे। लेकिन अगर आप बात करें कि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मिनिमम आपका जो एक्सपेंस है जिसके अंदर फूड, घर का रेंट, ठीक है, जो एक्सपेंस होगा वो 1000 यूरो तक आपका एक्सपेंस हो सकता है। अब सिंगल बंदे का जो फूड का एक्सपेंस है वो 100 यूरो एक्सपेंस है। इसके बाद मोबाइल का जो एक्सपेंस है वो 50 रुपये मोबाइल का एक्सपेंस है। राउंड अबाउट सिंगल बंदे का जो एक्सपेंस है वो 350 से 400 यूरो फिनलैंड के अंदर आपका सिंगल बंदे का एक्सपेंस होगा बेड शेयरिंग ऊपर दोस्तों के साथ। लेकिन अगर आप सिंगल गर्ल लेना चाहते हैं तो वही बात है, 800 से 900 यूरो आपका एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, ये नॉर्मल से नॉर्मल बात है फिनलैंड के अंदर। आप ये माइंड में रखें कि आप जितने भी पैसे फिनलैंड के अंदर कमा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक्सपेंस भी करना पड़ते हैं। लिविंग के लिए एक्सपेंस करना बहुत ज़रूरी है, एक्सपेंस के बगैर आप नहीं रह सकते। और अगर आपने साथ में गाड़ी भी रखी हुई है तो गाड़ी के अलग से एक्सपेंस होंगे, क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी होगी तो फिर आप इनकम भी ज़्यादा कमा रहे होंगे, फिर उस हिसाब से आप अपने एक्सपेंस को मैनेज कर पाएंगे। अगर एवरेज की बात की जाए पेट्रोल की और डीज़ल की बात की जाए तो आपका मंथली जो एक्सपेंस होता है वो 200 रुपये का पेट्रोल या डीज़ल का एक्सपेंस आपका एक महीने के अंदर आपका हो जाता है। इसके बाद इंश्योरेंस है गाड़ी की और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एक अलग मैटर है, अलग बातें हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि आप फिनलैंड में कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके साथ आपकी बात होगी एम्प्लॉयर के साथ, वो आपको वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देगा सबसे पहले। सेकंड चीज़ आपकी है वीज़ा फ़ीस। अब फिनलैंड की वीज़ा फ़ीस कितनी है, बहुत से लोग ये पूछते हैं। ओनली 60 यूरो फिनलैंड की वीज़ा फ़ीस है जो आपने पे करनी है, इसके अलावा कुछ भी आपने पे नहीं करना होता। उसके बाद है आपका पासपोर्ट, जो कि आपका फ्रेश भी हो सकता है या उसके ऊपर स्टैम्प भी लगी होंगी, लेकिन मिनिमम एक साल आपका वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आप मेडिकली फ़िट हों, ये चीज़ आपको 100% मेक श्योर करनी पड़ेगी। उसके बाद है आपका PCC पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आपके अपने कंट्री से आपके ऊपर कोई भी गलत या कोई भी इस तरह का कोई केस ना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट, यानी कि आप जब आपकी एम्प्लॉय के साथ बात हो जाती है, सब कुछ डील हो गया, फिर उसके बाद आपने रिटर्न टिकट करवानी है। और ये रिटर्न टिकट आपकी 2 साल का वर्क परमिट हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, या बिजनेस वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं तो 5 साल की रिटर्न टिकट आपकी हो सकती है। बहुत से लोग हैं जो डमी टिकट भी करवा सकते हैं, ये भी आप पे डिपेंड करता है कि जब आप वीज़ा हासिल करने के लिए जाते हैं तो बहुत से लोग डमी टिकट भी करवा कर रखते हैं। उसके बाद आपकी जो मेन चीज़ आ जाती है CV और कवर लेटर, इसमें आपने कभी भी कोताही नहीं करनी। यूरोप पास CV और कवर लेटर आपने खुद बनाना है या आपने बनवा लेना है। कोशिश कीजिएगा कि आप किसी हाई प्रोफेशनल बंदे से ये दोनों चीज़ें तैयार करवाइएगा, ताकि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो फ्यूचर के अंदर अगर आप कोई अपनी जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको ज़्यादा तगोदोना करनी पड़े कि आप उसी CV के अंदर थोड़ा सा एडिट करके आप आगे भी अप्लाई कर सकेंगे। और आप ये CV विद पेपर भी साथ में रखिएगा, और इसके अंदर आप PDF के अंदर भी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को लाजमी रखिएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है आपकी, हर चीज़ आपकी PDF के अंदर, आपकी मेल के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है और ऑनलाइन के अंदर ही आपको ये सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद है आपने जो वहाँ पर लिविंग जहाँ पर करनी है, जहाँ पर आपने जाना है, तो वहाँ का एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए, घर का एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। और उसके बाद एट द एंड है VFS की जो एम्बेसी की जो फ़ीस है वो, और एम्बेसी की अपॉइंटमेंट,
ये चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें कलेक्ट करके ये सब कुछ करने के बाद आप वहाँ पर जाते हैं, VFS के अंदर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं। इससे पहले ये चीज़ है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें जब आपने अपनी CV बनवाई, अपना सब कुछ क्लियर किया, जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ के अंदर किया हुआ है, जो कुछ भी आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ आप इन जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं आप फिनलैंड की, इनके ऊपर आप अप्लाई करते हैं। जब आपको यहाँ से रिस्पॉन्स आता है, फिर उसके बाद आप फिनलैंड की, अगर आपकी एम्प्लॉय के साथ डील हो जाती है तो उसके बाद फिर आपके सारे मामला होते हैं, तो फ्यूचर के अंदर आप वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। वेल, ये तो थी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया तो भाई दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी को पता हो, हर कोई ये जान सके, एक आम से आम बंदा भी, कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप के ऊपर यकीन होना चाहिए, क्योंकि हम जब पाकिस्तान के अंदर होते हैं या इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर होते हैं, तो हमें यही चीज़ बताई जाती है कि आप किसी भी मुल्क में नहीं जा सकते। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ जहनों की बात है। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, क्योंकि अब वो दौर है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करके हर कंट्री में जा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।